हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है आपने देखा होगा, वो है सीजीएल चॉइस की मैथ्स स्ट्रेटेजी को लेकर, या एसएससी की कोई भी एग्जाम्स है उसकी मैथ्स आप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, मैथ्स में किस तरह से 50 आउट ऑफ 50 या 45 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पे पूरा वीडियो बेस्ट रहेगा। ये वीडियो न केवल बिगिनर्स के लिए बल्कि नॉन बिगिनर्स के लिए भी फायदेमंद है, दोनों के लिए हम डिस्कस करेंगे। भाई, बिगिनर को ये करना चाहिए, नॉन बिगिनर को ये करना चाहिए, या आपसे अगर आप मैथ्स की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका मैथ्स बहुत वीक है, क्या आप अब से कर पाओगे सीजीएल चॉइस के लिए, और करना है तो कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो रहेगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ आपको एसएससी की अपडेट्स मिलेगी और क्विजेज भी हम वहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, इंग्लिश और जीके की, तो वो भी आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो चैनल, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप पुराने वीडियोज जाके देखोगे जहाँ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो हमारा वीडियो आज कंसंट्रेटेड है सीजीएल चॉइस की मैथ्स पे या एसएससी की मैथ्स पे। सबसे पहले मैं अपना स्कोर बता देता हूँ, तो मेरा जो मैथ्स का स्कोर है वो प्री में, जितने भी प्री मैंने दिए थे एसएससी एग्जाम्स के, सारे प्री में 50 आउट ऑफ 50 हैं या 47 आउट ऑफ 50 हैं, उससे कम तो मेरा स्कोर कभी मैथ्स में रहा नहीं। तो आई विल टेल कि किस तरह से मैं मार्क्स लाता था, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी जब मैं बिगिनर था और जब मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल की तैयारी कर चुका था, तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले बिगिनर्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बुक्स कौन सी आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो किस तरह से आपको बुक्स को यूज करना है वो भी बात करनी है। मान लो आपने कोर्स कंप्लीट किया और आपने नोट्स नहीं बनाए, तो आपको क्लास नोट्स की बुक लानी है किसी भी एक टीचर की, बहुत सारी टीचर्स की अवेलेबल है, गगन सर की अवेलेबल है, राकेश यादव सर की अवेलेबल है। अगर वो तभी लानी है जब आपने क्लास नोट्स नहीं बनाए थे और सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तब। अगर क्लास नोट्स अभी आप बना रहे हैं, अभी सिलेबस कर रहे हैं, तो आपको कोई क्लास नोट्स की बुक नहीं लानी है, आपको खुद से नोट्स बनाने। उसके बाद आपको चाहिए एक पीवाईक्यू की बुक, अगर पीवाईक्यू की बुक आपके पास कोई सी भी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एसएससी की अभी लेटेस्ट जो पीवाईक्यू की बुक है ना, वो है किरण पब्लिकेशन का नया एडिशन, जो कि दिसंबर 23 तक अपडेटेड बुक है, और उसमें सारे पीवाईक्यू हैं जो दिसंबर 23 से पहले की जितनी भी एग्जाम हुई है, तो लेटेस्ट बुक है। टाइप वाइज भी है, इसमें आपको सारे टाइप वाइज जो भी टॉपिक है उसमें टाइप वाइज जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलती है, और उनका बेस्ट सॉल्यूशन भी मिलता है, जिसमें आपको एक शॉर्ट मेथड मिलता है और एक लॉन्ग बेसिक मेथड मिलता है, तो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और आप इस बुक को खरीद सकते हैं, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चाहिए। तो अगर कोई पीवाई की बुक नहीं है तो आप ये बुक ला सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको तैयारी में। बात करते हैं कि किस तरह से एक बिगिनर बंदे को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से मैथ्स की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको अब से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करना है, आप बैंकिंग तैयारी कर रहे थे या रेलवे की तैयारी कर रहे थे, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, मैथ्स आपने पढ़ी नहीं है या आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो अब भी आपके पास 7 से 8 महीने हैं। मैं कह रहा हूँ श्योर शॉट आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आपसे भी आप सीरियस स्टडी करते हैं मैथ्स की तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और बहुत अच्छे से आप मैथ्स को भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो अब से भी स्टार्ट की जा सकती है इसकी तैयारी। पहला डाउट ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 7-8 महीने कम नहीं होते। ठीक है, सबसे पहले आपको जैसे क्या करना है, टीचर सेलेक्ट करना है, आप वो पेड टीचर ले सकते हैं, पेड है ना, जिसने अपना कोर्स लॉन्च किया हो, अच्छा पूरा सिस्टमेटिक वे में कोर्स करा रखा हो, किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, पवन राव सर का ले सकते हैं, आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, या विनय सर का, या गगन प्रताप सर का, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें आपके जिससे भी ट्यून सेट हो उसका आप कोर्स ले सकते हैं। आपको फ्री में पढ़ना है तो फ्री पे भी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में भी टॉपिक एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको विनय सर का समझ में आता है तो सारा फ्री कंटेंट पढ़ा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखना, अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और जो भी पढ़ाया जाए उसको समझ लिए, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। अब जैसे मानो पहले दिन आपने टीचर ने क्लास की ली और आपने उसको नोट कर लिया, अब जैसे ही क्लास को नोट किया आपने, उसके जस्ट बाद आपको उसको जो भी आपने लिखा है उसको रिवाइज कर लो एक बार, कर लिया। जब सेकंड डे जा रहे हो, सेकंड क्लास आपने देखी, उससे पहले, सेकंड क्लास के स्टार्ट करने से पहले आपको जो फर्स्ट डे पढ़ा था वो आपको रिवाइज करना है 10 मिनट में 15 मिनट में, क्योंकि आपने पहले दिन पढ़ाया उसको रिवाइज कर लिया, तो आपके दिमाग में सब कुछ है, आपको 10 से 15 मिनट में उसको एक बार देखना है, फिर सेकंड क्लास लेनी है। फिर सेकंड डे आपका जो पढ़ाया उसको वापस आप क्लास के बाद 10 मिनट देखेंगे, 15 मिनट में रिवाइज कर देंगे, ठीक है। थर्ड डे जब जा रहे हो तो पहले 20 मिनट में फर्स्ट डे और सेकंड डे जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है 25 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में, अपना टाइम सेट कर लो अपने हिसाब से। उसके बाद थर्ड डे की क्लास लेनी है, और थर्ड डे में जो पढ़ा है क्लास के जस्ट बाद आपको 10-15 मिनट आपको उसको टाइम देना है। ध्यान रखना, एक दिन में एक क्लास लेने की कोशिश करो, ज्यादा कुछ करोगे तो अब जो पढ़ रहे हो वो चीज़ें रिवाइज हो नहीं पाएगी और मिक्सअप हो जाएगा, और वही दिक्कत रह जाएगी, मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक है, ठीक है। तो इस भरम को दूर करना है तो थोड़ा सा रिविजन को साथ में रखना पड़ेगा। इसी तरह आपको 4th डे करना है, 5th डे करना है, फिर 6th और 7th डे आपको क्या करना है, जो भी आपने 5 दिन में पढ़ा है उनको केवल और केवल रिवाइज करना है, समझ रहे हो इस बात को। अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं पर डे 3 क्लास लूंगा, 2 क्लास लूंगा, 4 क्लास ले लूंगा, मेरा कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। बट आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिवीजन नहीं होगा तो चाहे 5-5 क्लास लो या 1 महीने में कोर्स खत्म करो, चाहे 2 महीने में कर दो, उसका कोई सेंस बनेगा ही नहीं, आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप ये, आपको ये रहता है कि सर एक दिन में क्लास देंगे तो कोर्स कब खत्म होगा, भाई वो तो आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो वो टाइम तो लेगा ना, 6 महीने लगेंगे, 5-7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने लगेंगे, तो कोर्स तो एक
सही मैनर में खत्म होगा ना, आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग तभी तो हो पाएगा जब आप बेसिक्स को रिवाइज करोगे, बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन लगाओगे, तभी तो होगा ना। तो फास्ट कुछ भी नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है और आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर मैथ्स को अगर इंप्रूव करना है तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको वीकली में प्लान बनाना है कि 5 दिन पढ़ा वो 6th और 7th डे रिवाइज किया, और जैसे मान लो परसेंटेज टॉपिक आपका खत्म हो गया, ठीक है, मान लो 10 दिन में आपका परसेंटेज टॉपिक या 15 दिन में जब भी खत्म हुआ खत्म हो गया, ठीक है। अब उस टॉपिक को जैसे भी आपने खत्म किया दोबारा से पूरे टॉपिक को एक साथ आपको रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करो, और उसके बाद परसेंटेज टॉपिक के PYQ स्टार्ट करो, जो भी प्रीवियस ईयर की बुक आप लाए हो उससे। उससे आपने जैसे पर डे आपने 30-40 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए करने, और आपका सेकंड टॉपिक भी स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो गया, और इधर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो परसेंटेज टॉपिक के, समझ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है क्लासेस के थ्रू, इधर परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चंस लग रहे हैं, फिर उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को जैसे मैं परसेंटेज बताया वैसे रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया और उधर परसेंटेज के PYQ खत्म हो गए, फिर आपको क्या करना है, अब स्टार्ट करना है तीसरा टॉपिक क्लासेस के थ्रू, और आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन इसके कर लिए, 20 क्वेश्चन इसके कर लिए, 10 इसके कर लिए, 30 इसके कर लिए, इस तरह से आपको दोनों टॉपिकों के PYQ लगाने, और इधर आपका तीसरा टॉपिक क्लासेस के फॉर्मेट में चलेगा। तो इस तरह से आपको प्रत्येक टॉपिक को रिवाइज करते हुए क्या करना है, चलना है, और PYQ भी उसके करते जाने। PYQ अगर आपके होंगे 300, 400, 500 तभी आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होंगी, कभी भी ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद PYQ लगूंगा, या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिवीजन करूंगा, कुछ भी नहीं होना, कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने खुद ने एग्जाम्स दिए, कई सारे एग्जाम्स दिए हूँ, सेलेक्ट हुआ, आई कैन फील कि यार ये सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो यही करते हैं, वो सोचते हैं यार मैं सिलेबस कर लूँ उसके बाद रिवाइज कर लूँगा, या सिलेबस कर लूँ उसके बाद मैं PYQ लगा लूँगा, और वो कभी आता नहीं है, सिलेबस कभी कंप्लीट होता नहीं है, और वो सब चीज़ें हमेशा जो आपने पढ़ी है वो भी भूल जाते हो, और फिर लगता है यार वापस सिलेबस करना पड़ेगा, वापस दूसरा टीचर सेलेक्ट होता है, फिर उससे आप पढ़ते हो, और ये चीज़ें साइकिल बाई साइकिल चलती रहती है, सिलेक्शन से आप दूर हो जाते हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये गलती न करिए, ठीक है। अब जो भी आपने मंथली बेसिस पे पढ़ा है वो मंथली बेसिस पे भी रिवाइज करने की आपको आदत डालनी है, रिवीजन जितना करोगे उतना ही आप सक्सेस के करीब पहुंचोगे, ये ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क में दिमाग में ये फिट बैठा लो कि रिवीजन मुझे बार बार करना है, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उसका वीकली बेसिस पे रिवीजन हो, मंथली बेसिस पे रिवीजन हो, तभी जाके वो मेरे काम आएगा, तभी जाके मैं उसके PYQ लगा पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी बिगिनर अगर आपको तो आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पढ़ने के लिए मैथ्स को। अगर आपने मान लो कि एक सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और थोड़ा बहुत पढ़ रखा है मैथ्स में, तो आपने मान लो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो टारगेट रहिए कि डेली आपको 80 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और वो भी मिक्स मिक्स माने कि आपने 20 क्वेश्चन ले लिए अलजेब्रा के, 20 मेंसुरेशन के, 20 ज्योमेट्री के, 10 क्वेश्चन परसेंटेज के, 10 क्वेश्चन ले लिए SI CI के, और 10 ले लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के। तो इस तरह से आपने 80 से 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं PYQ वाली बुक से, और इस तरह की मिक्स प्रैक्टिस अगर आप करते हैं ना, आई गारंटी आपका मैथ्स एग्जाम तक सही ना हो या हो नहीं सकता, आप 50/50 के दावेदार हो अगर आप इस तरह से पढ़ते हो, नॉन बिगिनर अगर हो आप और इस तरह से PYQ करते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो, तो आपका 50/50 के सबसे प्रबल दावेदार हो, और आपके आना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी वे में आप ले आओगे 50/50, या मेंस की बात करें तो आप 90/90 लाने के दावेदार हो। क्यों? क्योंकि आपने मिक्स प्रैक्टिस की, आपको ये पता है कि यार मेरे पास परसेंटेज के मैंने 10 क्वेश्चन लगाए तो मुझे परसेंटेज पर भी कॉन्फिडेंस है, मैंने अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन लगाए पर डे तो मुझे अलजेब्रा टॉपिक को लेकर भी कॉन्फिडेंस है, और एग्जाम में होता क्या है हमें कॉन्फिडेंस की ही नीड होती है, और जब भी मॉक दोगे ना आपको लगेगा यार ये टॉपिक तो मैं अभी कर रहा हूं, परसेंटेज कर रहा हूं, अच्छा मैं अलजेब्रा भी तो कर रहा हूं, अच्छा मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन भी लगा रहा हूं, तो आपके पास एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस रहेगा, और वही हेल्प करेगा आपको मैथ्स अटेम्प्ट करने के, जब आप मैथ्स सेक्शन अटेम्प्ट करते हो ना मॉक में, उसमें काफी हेल्प करता है, इस ध्यान रखना बात। तो आपको डेली 80 से 100 क्वेश्चन लगाने का टारगेट रखना है अगर आप क्या हो, नॉन बिगिनर, और अगर आप मान लो 80 से 100 नहीं लगा सकते तो 70 का टारगेट रख लो, 50 का टारगेट रख लो, बट मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका नॉन बिगिनर के लिए होनी चाहिए। आपको दोबारा क्लासेस के थ्रू या क्रैश कोर्स करना या वापस रिवीजन क्लासेस लेना या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेना ये अवॉइड करनी है अगर आप नॉन बिगिनर हो, ध्यान रखना इस चीज़ का, चाहे आप बिगिनर हो चाहे नॉन बिगिनर हो, मैं तो कहता हूँ दोनों जने आप जो है अवॉइड करो इस चीज़ों को। ये क्रैश कोर्स प्रैक्टिस क्लासेस कुछ नहीं होती, ये जस्ट टाइम पास होता है, और यूट्यूब टीचर का जो प्रोमो होता है ये क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट होता है कि आओ हमारा कोर्स ले लो, उसके लिए वो प्रैक्टिस क्लासेस लेते हैं, उनका और कोई सेंस नहीं बनता उस क्लासेस का। तो वो चीज़ें आप अवॉइड करें, रेगुलर पढ़े और प्रैक्टिस अपने साथ करते रहिए। जो बिगिनर है उनको भी कहूँगा कि यार जो भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उससे 300 से 400 PYQ नहीं लगाओगे तो आप कभी ऐसा मत करो कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपनी कैलकुलेशन पर जरूर काम करते रहना है, आज के टाइम में कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको डेली आपके टेबल स्लिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता हो 29 × 8 = 232 होता है, अच्छा 17 × 6 कितना होता है 102 होता है, अच्छा इस तरह की आपको जो 2 digit multiply 5 digit या 2 digit multiply 3 digit आपको आनी चाहिए, या 3 digit × 3 digit की आपको जो क्लैरिटी या ट्रिक्स की वो होनी चाहिए, जो कि मैंने जो हमारा डेली रूटीन वाला जो चलता था टारगेट वीडियोज उनमें मैंने बहुत सारी आपको सिखाई है, आई होप कि आपने सीखी होगी, और उन ट्रिक्स को यूज करते हुए आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, टेबल्स पे काम करना है, स्क्वायर्स क्यूब्स पे काम करना है, मल्टीप्लीकेशन पे आपको स्पेशली बहुत ज्यादा काम करना है, एडिशन को फास्ट करना है, 17, 18, 19, 20, 21 इनको किस तरह फास्ट जोड़ सकते हो, मा कर दूँ 38+76 किस तरह से फास्ट जोड़ सकते हो, तो उस पर काफ़ी अच्छे से आपको काम करना है। अगर यहाँ काम करोगे ना मेंटली इन चीज़ों पर काम कर लोगे तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो
आई होप कि जिन्होंने भी मेरे टारगेट वीडियोस देखे होंगे उनको पता भी होगा कि किस तरह से मैंने ट्रिक्स बताई थी इनकी, कि किस तरह से आपको इनको सीखना चाहिए, करना चाहिए। तो यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, जो भी आपकी सजेशन या जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो @ssc_allrounder पे, टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो और हमारा एक सीजियल चॉइस को लेकर डाउट ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।